देश में किसानों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। पिछले कई सालों से निरंतर आत्महत्याएं बढ़ रही है और उसका कारण है कि घाटे की खेती है। और इसका सबूत यह है कि सरकार की नीतियों के कारण ये खेती घाटे की हो रहे हैं। आज देश में गन्ना छोड़ के बाकी सभी फसलों को समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है और इसका कारण यही है कि पिछले 3.5 साल में हमारी जो कि कृषि उत्पादनों की आयात थी वो 28,000 करोड़ से 1,35,000 करोड़ तक बढ़ गई है और ये सब बाहरी प्रोडक्ट अंदर आ रहे हैं और हमारी निर्यात $10,000 से कम हुआ है। इसका नतीजा किसानों को समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। ये नीति तो सरकार बनाती है, जिस सरकार ने, जिस मोदी जी ने लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, उन्होंने लागत को छोड़ दीजिए, 1.5 गुना तो छोड़ दीजिए, समर्थन मूल्य देने में भी नाकाम सरकार रही है और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 3.5-4 साल में किसानों के सर का जो कर्जा है वो 5.5 लाख करोड़ से बढ़ गया। ये बात करते हैं आमदनी दुगनी करने की, लेकिन कर्जा दुगना हो रहा है और इसीलिए आज ये सारे जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं इसके लिए सरकार की नीति जिम्मेदार है। ये किसान ने मेरे आत्महत्या को मोदी सरकार जिम्मेदार है। इस तरह से अगर पेड़ के पत्ते भी लिख कर उसने जान दी है, इसका मतलब तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार फिर भी गंभीर नहीं है और संसद ने मैं हमारा आवाज़ नहीं गूंज रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उतनी ताकत, इतना समर्थन नहीं मिल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियाँ किसानों की समस्याओं की तरफ लापरवाही से देख रही है, इसलिए हमें ये किसान संसद बुलानी पड़ी और हमने यहाँ दो बिल हम यहाँ पेश करेंगे, पास करेंगे और वो बिल लेके हम जन आंदोलन खड़े करेंगे और जब तक ये बिल पास नहीं होता हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा। पशुपालकों की परेशानी आ रही है क्योंकि इस जो दूध का सीजन होता है वो प्लस और लीन, इस तरह से दो तरह का सीजन होता है। प्लस में लीन से 40% दूध का उत्पादन बढ़ जाता है और ये जो बढ़ने वाला जो उत्पादन होता है दूध का, उसको कन्वर्जन करना पड़ता है, उसका बटर, चीज़ या पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाना पड़ता है और वो उसको पूरे बाहरी देश में बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन हमारी सरकार उसको प्रोत्साहन नहीं देती, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहन नहीं देती। पशुपालकों को कोई सपोर्ट नहीं है सरकार का और ये जो गोवंश हत्या बंदी का कानून लाया है उससे जो निकम्मे जानवर है उसको भी पालना पड़ता है। अगर वो दूध नहीं देती है, गाय हो या भैंस हो, दूध नहीं देती है लेकिन चारा तो खाती है, तो उसका खर्चा कौन करेगा? धर्म कार्य तो इनका होगा लेकिन जान जाएगा किसानों का।